हे गोहन, ओह, हे गोकू, तुम्हारे पास आग जलाने के लिए लकड़ी है ना? हाँ, मेरे ख्याल से इतनी काफी होगी, है ना? ओह, तुम ये सब करते करते एक दिन जरूर अपने आप को चोट लगाओगे। ओह, मैं ठीक हूँ। गोहन कहाँ है? अब पता नहीं। पर तुम जरा जाकर उसे ढूंढो, क्योंकि तुम दोनों को मास्टर रोशी के यहाँ जल्दी पहुँचना है। ओ हाँ, अभी जाता हूँ। तुम फ्लाइंग निम्बस लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हें वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। ओके, बाय चीची। गोकू संभल कर जाना। ओ,
मुझे हमेशा इसकी फिक्र लगी रहती है। ये नहीं हो सकता, मैंने ऐसी शक्ति पहले महसूस नहीं की। ये गोकू तो नहीं हो सकता, ये कोई खतरनाक चीज है। बात करना, मैं यहाँ उतर गया। मैं क्या करोट नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा कि वो तुम हो। माफ किया, पर मेरे ख्याल से तुम्हें आंखों के लिए चश्मा चाहिए। तुम बड़े मजाकिया हो। अच्छा, मैं चाहे जैसा भी हो, अब दफा हो जाओ। तुम तो यही चाहते हो, है ना? पावर लेवल है 322। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस प्लैनेट से नहीं हो, पर अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो ये तुम्हारी नादानी होगी। अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ आए हो और मुझे लड़ाई शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं, पर मुझे है। शाबाश, तुम्हारी शक्ति से मेरे पैरों के थोड़े से बाल तो झुलस गए। चलो मैं तुम्हें एक और नमूना दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि ये। जरा गौर से इधर देखना, देखो गौर से इधर देखो। आसपास कोई बड़ी शक्ति है, ये जरूर वही होगा। इससे बच के रहना होगा। मैं आ रहा हूँ, क्या करो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम छोटे से बच्चे थे और हमने तुम्हें इस प्लैनेट पर भेजा था। हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें थी, क्या करो। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तुमने क्यों नहीं किया? वो यहाँ आएगा, मेरे ख्याल से आता ही होगा। वाह, इस पावर की स्पीड तो बहुत तेज है, पर मैं इसे पकड़ लूंगा। ये लो, हम पहुंच गए गोहन। हे, घर में कोई है? गोकू। हे हाय। ये बच्चा कौन है? गोकू की गोद में बच्चा हैरानी की बात है। ये मेरा बेटा है। या। हैरानी हो रही है। वाह,
कुकु, ये बहुत प्यारा है। गोहन हाय बोलो। हेलो एवरीबॉडी। हाय। ये गोहन है। गोहन, अच्छा तो तुमने इसे अपने दादा का नाम दिया है। हाँ वही नाम दिया है। हे गोहन, तुम कितने साल के हो? साढ़े पाँच साल। क्या तुम भी अपने डैड की तरह एक बहादुर फाइटर बनोगे? चीची इसे ट्रेनिंग नहीं लेने देती। तुम मार्शल आर्ट्स नहीं सीखते? तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो गोहन? ऑर्थोपीडिस। वाह, एक ऑर्थोपीडिस? हाँ ये तो बस हेलो कह रहा है गोहन। इसकी पूछ है। हाँ ये जन्म से है जैसे मेरी है। गोहन ये चाहता है तुम इसे प्यार करो। ओहो गोकू, क्या कभी रात में गोहन के साथ कोई अजीब घटना घटी है? क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या कभी गोहन ने रात में पूरे चांद को देखा है? नहीं शायद नहीं। नहीं, क्योंकि हम सब जल्दी सो जाते हैं। क्यों? नहीं कोई खास बात नहीं बस। मैं तो बस पूछ रहा था। जब तुम छोटे थे तो इससे बहुत अलग थे गोकू। जानता हूँ। हमेशा पढ़ाने को कहती है और कहती है कि मार्शल आर्ट्स तो समय और ताकत की बर्बादी है। ओ, तो क्या हम सब बेवकूफ हैं? हाँ, शांत हो जाओ तुम सब। देखो सभी लोग तुम्हारी बातों से तो सहमत नहीं होते ना। जिंदगी की आशा नहीं होती। संभल के इससे जरा बच के रहना गोहान, कहीं तुम्हें काट न ले। वाह क्या बात है, तुम्हारी हाथ पर तो सच की ड्रैगन बॉल है ना? हाँ ये मेरे दादा की है, मैंने इन्हें शौक के लिए इकट्ठा की है। गोहन ड्रैगन को देखना चाहता है पर उसे अपनी बॉल देनी होगी। ओह जरा याद करो हम लोग इन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, है ना? हाँ सच में। हे गोकू, तुम सब क्या मांगने वाले हो जब तुम्हें वो बॉल्स मिल जाएंगी? पता नहीं क्रिलिन, तुमने सवाल तो अच्छा पूछा है। अगर सच पूछा जाए तो मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं। मैं सोच रहा था कि शायद अब गोकू पहले जैसा शक्तिशाली नहीं होगा। तुम में तो अब भी बहुत दम है गोकू। क्या बात है? क्या हुआ गोकू? मुझे लगता है हम पर हमला होने वाला है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है गोकू? मुझे पूरा यकीन है, मुझे ऐसी शक्ति का एहसास पहले कभी नहीं हुआ। मुझे भी अब लग रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, मैंने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी और ये तो विनाशक शक्ति है। मैं तो कांप रहा हूँ, ये सब क्या है? वो रहा, मुझे दिख रहा है गोकू। ये पिकोलो तो नहीं हो सकता। ये भयानक चीज है। तुम बड़े हो गए हो। हाँ मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। क्या कह रहे हो? क्या कह रॉट? बिल्कुल सही, यही तुम्हारा नाम है। हाँ? क्या ये है कौन? लगता है पागल है। क्या कह रहे हो? तुम इतने सालों से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम तो इस प्लेनेट की सभी जीवित प्राणियों को खत्म करने का था, तो तुमने वो काम पूरा क्यों नहीं किया? देखो मिस्टर, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर इतना जानता हूँ कि तुम गलत जगह आ गए हो। शू शू लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा कर आता हूँ। कुलिन संभल के। पूछ? इसकी भी पूछ है। तो आखिर तुम जान ही गए कि मैं कौन हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला। गोहन नहीं डैडी। गोहन बेटे तुम जाओ। हे
बहुत जोर से चोट लगी थी। क्या? बचपन में तुम्हारे सर पर कभी कोई चोट लगी थी? गोहन, सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर बचपन में मेरे सिर पर चोट लगी थी, वो अभी भी याद है मुझे। मेरे सिर पर अभी तक उसका निशान है। बेवकूफ, तुम भूल गए थे। मैं क्या भूल गया, बताओ मुझे, बताओ। बेवकूफ, तुम्हारे दादा ने मुझे कुछ बताया था, वो बात मुझे तुम्हें बतानी होगी। बहुत साल पहले तुम्हारे दादा गोहान को जंगल में स्पेसशिप मिली और वहाँ तुम एक छोटे से गोल बक्से में पड़े थे। गोहान ने तुम्हें उठाना चाहा, पर तुम्हें तो बस में करना बड़ा मुश्किल था। तुम में एक अनोखी शक्ति थी जो कि एक साधारण बच्चे में नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें गोहान की दया की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें गहरी खाई में गिर गए और तुम्हारे सिर पर बहुत चोट आई, पर तुम बच गए और उस दिन से एक खुशहाल प्यारे बच्चे बन गए। तो क्या मैं दूसरे प्लैनेट का हूँ? हाँ। अच्छा ठीक है, पर तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? हे क्रिलिन, तुम ठीक हो? सावधान रहना गोकू, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। तुम भी नॉर्मल नहीं हो मेरे भयंकर दोस्त। हाँ? तुम्हारा जन्म वेजिटा नाम की प्लैनेट पर हुआ था। तुम एक स्पेस फाइटर हो, एक सेयन योद्धा हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ? क्या गोकू? मुझे अपना परिचय देने दो, मैं रेडिक्स हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। गोकू का भाई है। गोकू, इनकी शक्ल तो तुमसे मिलती है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ? हाँ बिल्कुल सही, फिर गोकू यहाँ पृथ्वी पर क्यों रहता है जब वो दूसरे प्लेनेट का है? बड़ी सीधी सी बात है, हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स थे जिन्हें इस तरह के प्लेनेट की सख्त जरूरत थी, और इसी तैयारी के लिए क्या रूप को यहाँ भेजा गया था। दरअसल हम सेयन लोग इस तरह की प्लैनेट्स के दलाल है। हम ऐसे प्लैनेट्स ढूंढते हैं जिनकी हमें मार्केट्स में ज्यादा कीमत मिले, और वहाँ पे योद्धा भेजकर हम सब कुछ खत्म करके सफाई करवाते हैं। हम अपने बड़े फाइटर्स उन प्लैनेट्स पर भेजते हैं जहाँ शक्तिशाली प्राणी रहते हैं, पर पृथ्वी जैसे प्लैनेट पर तो हमारा एक ही बच्चा काफी होता है। कैकरों को भी यहाँ सफाई करने के लिए भेजा था, पर वो अपना काम करना भूल गया। तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो तुम लोग तो बहुत गंदे हो। तुम तो स्पेस पायरेट हो, चोर हो। तुम छोटे बच्चों को इस तरह स्पेस में कैसे भेज सकते हो? अब बहुत हो चुका, मेरा दिमाग मत खराब करो। खैरोट, पूरे चांद की मदद से तुमने कुछ ही सालों में इन सबको खत्म कर देना था, पर तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहा। पूरे चांद से इसका क्या मतलब है? तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ क्या कैकरोट? मेरी पूंछ? क्यों? जवाब दो अभी। उसे मेरी भलाई के लिए बहुत पहले ही हटा दिया गया था। बेवकूफ, तुम जानते हो तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी असली ताकत तो खत्म हो चुकी है। तुम अब पूरी जान के होते हुए भी अपने आप को नहीं बदल सकते हो। अब मैं समझा कि तुम इन लोगों के साथ कैसे रह सकते हो। देखो, ये मेरा घर है और ये सब मेरे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ना ही तुम मेरे भाई जैसा बर्ताव कर रहे हो। मेरा नाम गोकू है और मैं यहाँ रहता हूँ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। अगर तुम दोनों भाई भी हो तो ये जरूरी तो नहीं कि ये भी तुम्हारी तरफ प्लैनेट को बर्बाद करे। गोकू ने एक बार इस प्लैनेट को बचाया था मिस्टर, तुम जाओ यहाँ से। तो छोटा भाई चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। बड़ी दुख की बात है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमारे प्लैनेट वेजिटा में एक दुर्घटना हो गई थी। 3 साल पहले एक कॉमेट हमारी प्लैनेट पर आ गिरा और उस वजह से सब तहस नहस हो गया, सब लोग मर गए, जाति का नाश हो गया। जब ये हादसा हुआ था तो हम 4 लोग वहाँ नहीं थे। तुम उन 4ों में से एक हो कैकरो, तो तुम ये जान लो कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, बल्कि ऐसे वक्त में तो तुम हमारी बहुत मदद कर सकते हो। छोटे भाई, हमने एक प्लैनेट चुन लिया है जो कि हमें ज्यादा मुनाफा देगा, पर उसमें थोड़ी ज्यादा मैन पावर की जरूरत है और वही काम तुम्हें करना होगा। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम खुश हो? तुम्हें होना
भी चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बस बहुत हो चुका है, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा जवाब है ना। दिलचस्प है। ये है सच्चा सीएन। ठीक है, मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे बच्चे को ले जाता हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे। बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे अंदर वो आग देख रहा हूँ भाई। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। लगना तुम्हारे खून में है, तुम्हें लगना पसंद है। तो चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ गोकू। नहीं क्रिलिन, तुम गोहन के पास रहो। संभल के गोकू। It's high time the boy knew his uncle. Next on Dragon Ball Z, Goku finds an unlikely ally in Piccolo. And together the two face off against Goku's evil brother, Raditz.